शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं आप शिवराज जी की मेज से होश कोसर तालाब की। पूर्व के वीडियो में होश कोसर तालाब में जमुना जी किस तरह से समाती हैं उन शोभा को देखा। आप शोभा देखने का प्रयास करते हैं होश कोसर तालाब की पूर्व दिशा में आई सोलह देरी घाट की शोभा। इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं आप शेरा जी श्री श्यामा जी की मेज से। होश कोसर तालाब की पूर्व दिशा, होश कोसर तालाब की पूर्व दिशा में पांच स्तंभों की नौहारे आई हैं, जिनमें ठीक मध्य का थंब नहीं आता, वहां पे कुंड की शोभा होती है। पांच स्तंभों की नौहारे, इनकी शोभा पूर्व में भी देख चुके हैं। पांच स्तंभों की नौहारे आती है जल में डूबी हुई। जमुना जी पश्चिम की ओर जाते हुए और होश कोसर ताल में प्रवेश करती हुई। जमुना जी के दोनों ओर जल रोस और पाल तो ढलकती पाल सी मिल गई है। जमुना जी जल रोस के ठीक सामने 250 मंदिर का तो चौड़ा, हजार मंदिर का लंबा रोस की शोभा हुई। इन रोंस से जल रोंस ने एक रूप मिलान कर लिया है। पांच स्तंभों की जो नौ हारे आई हैं 250 मंदिर की रोंस की पूर्व में जल में डूबे हुए पांच स्तंभ आए, जिनमें चार मेहराबे आई। इन्हीं चार मेहराबों चार घरनालों से जमुना जी प्रवेश करती हैं। पांच स्तंभों की नौ हारों में से आखिरी हार जो भीतर 500 मंदिर की ताल रोंस आई है, इसके पश्चिम तरफ जल में डूबे हुए पांच स्तंभ चार मेहराबे इन्हीं घरनालों से जमुना जी होश कोसर ताल में जाकर समा जाती हैं। अब देखेंगे 250 मंदिर की जो ये रोंस थी, इन रोंस के पश्चिम की ओर 750 मंदिर का तो चौड़ा और लंबाई में घेर कर, होश कोसर ताल को घेर कर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। घेर कर आई है इन चबूतरे की शोभा, ये देखिए होश कोसर ताल को घेर कर आया 750 मंदिर का चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर पांच स्तंभों की सात हारे आई, ये देखिए पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। पहली हार, ये जो पांच स्तंभ हैं जिन पे चार मेहराबें आई हैं, एक बड़ी मेहराब के अंतर्गत आए हैं, ये जरोखे के थंब कहलाते हैं। भीतर की ओर ये पांच स्तंभ चार मेहराबे दाएं बाएं की एक और मेहराब, ये जरोखे के थंब कहलाते हैं। इन जरोखों के थंबों के पीछे की ओर 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का चबूतरे की पूर्व किनार पे चार थंब तीन मेहराबे, मध्य मेहराब से सीढ़ियां जल रोंस पर उतरी है, आगे हाथ लगता जल। अभी देखेंगे जल रोंस के ठीक सामने एक एक मेहराब में दो दो दरवाजे आए हैं। दाईं तरफ के, यहां की अगर मेहराब की बात करें तो दाईं तरफ की मेहराब से पाल अंदर मोहलातों में जा सकते हैं और बाईं ओर की मेहराब में जो दरवाजा आया है उससे सोलह देरी के घाट में जा सकते हैं। अब इन रोंस से तीन सीढ़ियां ऊपर चढ़कर इन चबूतरे पर आए, घेर कर ये थंबों की हार की शोभा। इनकी भीतर की ओर ये देखिए रोंस की शोभा, आने जाने के लिए रोंस की शोभा। ठीक मध्य में एक थंब नहीं आया, यहां 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड की शोभा हुई। कुंड को घेर कर आठ थंब, इन कुंड को देखिए घेर कर ये सुंदर बैठकों की शोभा। ये सोलह देरी के घाट की प्रथम भूमि की शोभा हुई। दाएं बाएं देखेंगे तो पाल अंदर मोहलातों की शोभा, पाल अंदर मोहलातों की बात करें तो देखिए मंदिरों की दो हारे, उनके दरमियान दो थंबों की हारे, तीन गलियां, थंबों की मेहराबों में हिडोलों की शोभा। ये मंदिर लंबाई तरफ 250 मंदिर के और चौड़ाई तरफ 125 मंदिर के आए हैं। लंबाई तरफ दरवाजा होता है 125 मंदिर का और दाएं बाएं 62-62 मंदिर की दीवार होती है। चौड़ाई तरफ 62 मंदिर का दरवाजा
और दाएं बाएं 62.5 का आधा लगभग 31-31 मंदिर की दीवार होती है। बारी आर, ये देखिए जो पहली हार संक्रमिक सीढ़ियों के साथ लगती आई है, इनके संक्रमिक सीढ़ियों की तरफ दरवाजों की शोभा नहीं आई। इस तरह से पालंदर मोहलातों की यहां शोभा देखी, 16 देरी के घाट की प्रथम होम की शोभा देखी। अब यहां से भोंबर ऊपर आते हैं, इन्हीं थंबों से सीढ़ियां मिल जाएंगी, उन सीढ़ियों से चढ़कर इनकी छत पर आते हैं। इनकी छत पर आ जाएंगे तो खुद को देखेंगे हम चोरसपाल पर। अगले नक्शे तो चोरसपाल पर आप पहुंचे, यहाँ की शोभा देखते हैं। चोरसपाल पर 16 देरी के घाट की क्या शोभा आई है, या यूं कहें 16 देरी के घाट की दूसरी भूमि की शोभा क्या आई है, उन शोभा को देखते हैं। एक बार पुनः प्रथम भूमि की शोभा देखते हैं, कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर आए 8 थंब, रोंस की सुंदर बैठक की शोभा, 250 मंदिर का कुंड, 125-125 मंदिर की ये जगह हुई, क्योंकि यहां पर सभी थंब 125-125 मंदिर के अंतर पर आए हैं। इन 500 मंदिर के तले से यमुना जी का प्रवाह हो रहा है, 250 मंदिर में जल खुला है और दाएं बाएं जल के ऊपर सुंदर बैठक की शोभा आ गई है। तो जब इन बैठक पर बैठेंगे, जब रूहें आप श्री राजी श्री श्यामा जी के साथ इन बैठक पर बैठती हैं, तो तले से जल गुजरने का एहसास, रूहों को अद्भुत एहसास होता है। इन बैठक को घेर कर ये देखिए 16 थंब आए हैं, इन 16 थंबों को घेर कर आने जाने की रोस आई है। ये जो 16 थंब घेर कर आए हैं, ठीक इन्हीं के सिर पर चोरसपाल पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। प्रथम भूमि में जो 16 थंब देखे थे, ठीक उन्हीं के ऊपर चोरसपाल में 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे को घेर कर 125-125 मंदिर की रोस आई है। कमर भर नीची रोस, इन्हीं रोस पर चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं। शेष जगह नूरमयी कठेड़े की शोभा आई है। इन चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारे आई हैं। 5 स्तंभों की 5 हारे। पूर्व की ओर देखेंगे तो 125 मंदिर की चौड़ी और 1000 मंदिर की लंबी रोस, जिन पर पूर्व में कठड़ा की शोभा हो जाएगी। यहां से खड़े होकर जमुना जी के दर्शन करें, जल रोस के दर्शन करें, पाल की देहरियों के दर्शन करें, तभी इनके नीचे जो थंब आए हैं उनको झरोखे के थंब कहा जाता है। पश्चिम दिशा में देखें, इन रोस के उत्तर दक्षिण कोने पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी देहोरी की शोभा आई है। शेष 126 देहोरियां 250 मंदिर की लंबी चौड़ी आई हैं। इन रोंस के पश्चिम तरफ 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का चांदा, जिसके दोनों ओर से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं 62-62 मंदिर लेकर। ये देखिए, इस चांदे से भी 62 मंदिर की जगह लेकर सीढ़ी उतरी और ठीक मध्य में 125 मंदिर का चौड़ा और 250 मंदिर का लंबा चौक हुआ, जिनमर देहोरी की शोभा हुई। तो इस तरह से ये शोभा हुई 16 देरी के घाट की दूसरी भूमि की। इनकी छत पर 5 थंबों की 5 हारों के मध्य 4 के 4 हार चौक बने, 4 के 4 हार चौक बने, 16 चौक, प्रत्येक चौक में आसपास की रोस की जगह छोड़कर 4 थंब उठे, उन पर देहोरी कलश ध्वजा पताका की अपार शोभा। छत पर 16 देहोरियों की शोभा आई। जैसे कि पूर्व में भी देख चुके हैं कि होश कोसर ताल की संपूर्ण चौपाई के ऊपर वृक्षों का एकल छत्री मंडल है, तो बड़ो वन के वृक्ष इन देहोरियों की नोक से झलूकते हुए भीतर जल चबूतरे पर छाया करते हैं। इस तरह से ये 16 देरी के घाट की शोभा हुई। अब इन शोभा को कुछ खड़े दृश्यों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। पूर्व में देखा था कि झुंड के घाट, 9 देरी के घाट, 13 देरी के घाट से
दो देवियों के मध्य से घाट की सीढ़ियां उतरी थी वो शोभा यहाँ पर नहीं आई। लेकिन 250 मंदिर के चौड़े और 750 मंदिर के लंबे जो चांदी की शोभा है वो चारों दिशाओं में आई है। शेष चांदे 250-250 मंदिर के लंबे चौड़े आने हैं। देवरी के ठीक सामने 250 मंदिर के लंबे चौड़े चांदे जिनसे कटिपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। जमुना जी खोज को सताल में प्रवेश करती हुई 250 मंदिर की चौड़ी, 1000 मंदिर की लंबी रौस, जरखे के थंबों की शोभा, दाएं बाएं बड़ी मेहराब में दो दरवाजे जिनसे इन मेहराब से पालंदर मोहलातों में और इधर वाली मेहराब से 16 देरी के घाट में जाते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ शोभा आई है। छत पर देखते हैं, पहले भीतर की शोभा अगले नक्शे में देखते हैं। छत पर देखते हैं 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं से सीढ़ियों की शोभा, 5 स्तंभों की 5 हारे जिन पर 16 देहरियों की शोभा। और ये देखिए छोटी देहरियों की शोभा जो 125-125 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। एक मिनट थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। इन रोज से 3 सीढ़ियां चढ़कर जब भीतर प्रवेश करते हैं अब वहां की शोभा देखते हैं। 250 मंदिर की रोज से 3 सीढ़ियां चढ़कर 750 मंदिर के चबूतरे पर आए तो ठीक मध्य में कुंड की शोभा। कुंड को घेर कर अति सुंदर मनोहारी बैठक को घेर कर आने जाने की रोज, और दाएं बाएं देखें तो ये देखिए पाल अंदर मोहलाते, दो थंबों की हर 3 गलियां जिनमें हिंडोले आए हैं। पाल अंदर मोहलातों का एक अन्य दृश्य देखते हैं। मंदिरों की दो हार, उनके मध्य आए दो थंबों की हर 3 गलियां, मध्य गली में 4 हिंडोलों की ताली की शोभा, माने रंग महल की 8वीं भूम के समान। इस तरह से आज इन वीडियो के माध्यम से शोभा देखी 16 देरी के घाट की अपार शोभा। आगे शोभा देखेंगे एक नजर में संपूर्ण शोभा, पालंदर मोहलातों की शोभा, ढलकती पाल चौरस पाल की शोभा को पुनः देखेंगे और उनके बाद देखेंगे ठीक मध्य में आया ताल के मध्य में आई 6000 मंदिर के लंबे चौड़े टापू महल की शोभा को। प्रणाम जी।